वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है उसके संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत हैं कि अभी काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन्स के माध्यम से बिहार आ रहे हैं और पटिया की काफ़ी हद तक अब लोग आ चुके हैं और हम लोगों को आशा है कि अब शीघ्र ही ये जो प्रक्रिया है ये अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी। जो अन्य कार्रवाई की जा रही है विशेष रूप से, क्योंकि काफ़ी लोग अभी ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में हैं और वहाँ से अब निकल के जिनका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो रहा है वो जा रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में। जैसे अभी तक ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर से 5,79,908 इतने लोग अभी तक डिस्चार्ज होके वहाँ से या कहिए रिलीव होके चले गए हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और तो इस वजह से अब सरकार की अपील है, दो तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, एक तो मास्क सभी को पहनना चाहिए, मास्क पहनने के लिए अपील की जा रही है। दूसरा कि लोग घबराएं नहीं, जैसा कि आपको स्वास्थ्य विभाग ने बताया भी है कि सारे आवश्यक काम किए जा रहे हैं और परंतु इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत अवश्य है, लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर संक्रमित मरीज जा रहे हैं या जो क्वारंटाइन सेंटर से लोग घर वापस जा रहे हैं, तो उनके प्रति भी सकारात्मक व्यवहार रखें लोग, उनसे किसी तरह का कोई ये नहीं समस्या नहीं है। ये दो तीन बातें आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि लोग इस पर ध्यान दें। अभी की तिथि में अब आपदा राहत केंद्रों की संख्या कम हो रही है, काफ़ी लोग जो ट्रांसपोर्ट इधर परिवहन में जो अनुमति दी गई तो बहुत सारे लोग अब अपने अपने जगह पे चले गए हैं। अभी की तिथि में 84 आपदा राहत केंद्र हमारे अभी फंक्शनल हैं, जिसमें लगभग 18,500 लोग इससे अभी लाभान्वित हो रहे हैं। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या अभी 13,684 है और इनमें कुल जो लोग अभी तक रह चुके हैं उनकी संख्या 12,38,041 है, परंतु वर्तमान में जो आवासित लोग हैं उनकी संख्या 6,58,133 है और 5,79,908 जैसा मैंने बताया इतने लोग क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके जा चुके हैं। जो बाहर फंसे हुए लोग हैं जिनके माध्यम से कॉल्स हम लोगों को आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, तो अब उनकी भी संख्या काफ़ी हद तक कम हो गई है। फिर भी जो टोटल कॉल्स और मैसेजेस हम लोगों को आए हैं उनकी संख्या 2,33,000 से थोड़ी ज़्यादा है और इनमें लगभग 31 लाख लोग इसमें सम्मिलित हैं। जो राशन कार्ड परिवारों को 1,000 रुपये की राशि देनी थी, 1,41,00,000 परिवारों को राशि दी जा चुकी है और नए राशन कार्ड जो बनने थे जिन परिवारों के पास नहीं था और जिनका सर्वे भी किया गया था और कुछ लोगों ने पहले जो अप्लाई कर रखा था, तो अभी तक 11,23,000 नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। रोजगार सृजन पे जैसा मैंने पहले भी बताया कि दो चीज़ों पर सरकार का विशेष ध्यान है कि एक तो जो कोरोना संक्रमण है इससे सभी की सुरक्षा हो, जो भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है, और दूसरा कि लोगों को रोज़गार मिले, जो भी लोग बाहर से आए हैं और जो हमारे यहाँ के भी मजदूर हैं जो यहीं पर हैं सबको पर्याप्त रोज़गार मिले, तो इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक लॉकडाउन पीरियड में लगभग 4,26,000 योजनाओं के अंतर्गत 3,74,00,000 से अधिक मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। ट्रेन्स के बारे में अब थोड़ी सी संख्या, क्योंकि हम लोगों ने बीच में आपको पता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रेन्स आ रही थी, अब धीरे धीरे ट्रेन्स की संख्या कम हो रही है और जैसा मैंने बताया कि हम लोग अब अंतिम चरण में एक तरह से कह सकते हैं, अब आज जो ट्रेन्स हमारे यहाँ पहुँच रही हैं अराइवल है जिनका 73 हैं
इनके माध्यम से 1,02,900 लोग आ रहे हैं, और कल के लिए जो अभी तक की शेड्यूलिंग है वो 46 ट्रेन्स की है, जिसके माध्यम से 42,900 लोग का आगमन संभावित है।